ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो वो चाहे किसी भी मुश्किल में गिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा और कौन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड इंफॉर्मेशन। गाइस, यार तो वाजी एक ऐसा ड्रामा है जिसने पूरी दुनिया को अपने शहर में जकड़ रखा है, और तो और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसकी तारीफ के बिना नहीं रह सके। इमरान खान ना सिर्फ खुद इसके शहदाई हैं, बल्कि इन्होंने एक पब्लिक फॉरम पर इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि हर पाकिस्तान को इस ड्रामे को जरूर देखना चाहिए। यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप से 700 मिलियन नाजरीन को अपने शहर में गिरफ्तार करने वाला ड्रामा गाज़ी अर्तगल, गाज़ी भाईजान, तुर्कमानिस्तान, अजबकिस्तान, काजिकिस्तान, अल्बानिया, बोलैंड, सरेबिया, बोस्निया, हंगरी और यूनान में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान में भी यकम रमज़ान से PTV पर रोज़ाना 8 बजे से पेश किया जा रहा है। आइए इसी बारे में बात करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, अर्तगरुल गाज़ी ने जहाँ तुर्की के ज़र मुबादला में बेपनाह इजाफा किया है, वहीं इस ड्रामे ने उम्मत मुसलमान के ख्वाबीदा नौजवानों के जहनों में अजमत गुंगुश्ता को तलाशने का जज्बा भी बेदार किया है। जहाँ इस्लामी दुनिया की आवाम इस ड्रामे को तैयब अर्दोगान की तरफ से उम्मत मुसलमा को जगाने की कोशिश के तौर पर देखकर इसका खैर मुकदम कर रही है, वहीं मगरबी दुनिया ये कहती है कि ये ड्रामा मुस्लिम नौजवानों में शिद्दत पसंदी को फ़रोग देगा। दरअसल मगरबी दुनिया को गम इस बात का है कि वो मुस्लिम नौजवान जो अरसा दराज से स्पाइडरमैन, बैटमैन, एक्समैन, टार्जन और स्पाइडरमैन जैसे झूठे किरदारों के साथ में गिरफ्तार था, वो नौजवान यकायक अर्तगरुल गाज़ी के साथ में गिरफ्तार हो गया। मगरिब को मसला इस बात का है कि इनका बरसों से बनाया गया बयान इस ड्रामे ने हफ्तों में तहलील कर दिया है। इस ड्रामे ने मुस्लिम दुनिया पर बिलखसूस ये वाजह कर दिया है कि मर्द दाढ़ी में और औरत मुकम्मल लिबास में कितनी खूबसूरत नज़र आती है। ये वो ड्रामा है जिसने मुसलमानों को हकीकी हीरो से मुतारिफ करवाया है। ये वो ड्रामा है जिसके बारे में तैयब अर्दोगान ने कहा कि जब तक शेर अपनी तारीख खुद नहीं लिखेंगे, इनके शिकारी ही हीरो बने रहेंगे, और हम इस्लामी तारीख इस तरह लिखेंगे जिस तरह वो थी। जब ये इस्लामी तारीख अर्तगरुल ड्रामे के जरिए पूरी दुनिया को दिखाई गई तो लोग इस्लाम कबूल करने लगे। ये वही ड्रामा है जिसने अग्यार के इन कोशों पर पानी फेर दिया है जो इस्लाम के सुनहरी माजी को दागदार करने में सर्फ की गई थी। इस ड्रामे ने दुनिया के 146 ममालिक से ना सिर्फ नाजरीन की तवज्जो हासिल की, बल्कि वहाँ ड्रामों की दुनिया का बेताज बादशाह भी करार पाया। दुनिया में अर्तगरुल ही वो वही ड्रामा है जिसे कबोबेश 60 ममालिक में डब करके दिखाया गया है। इस ड्रामे में काम करने वाले अदाकारों का प्रोफाइल देखें तो इनमें कोई भी तुर्की के टॉप 10 में भी शुमार नहीं होता था, लेकिन आज वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बल्कि मुस्लिम नौजवानों ने अर्तगरुल, हलीमा सुल्तान, तुर्गुत बमसे, दीवान हाइमा खातून और सलमान शाह की DP लगा ली है। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान और इस वक्त के वज़ीर आज़म अहमद दाऊद ने खुद अदाकारों से शूटिंग वाली जगहों पर जाकर मुलाकातें की और इनकी हौसला अफजाई की। एक तरफ गैरों को इस ड्रामे से तकलीफ हो रही है, और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम ममालिक जिनमें सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात जो सरफहरिस्त हैं, इस ड्रामे के नशर और शाद पर पाबंदी लगा रहे हैं, बल्कि इन्होंने इस ड्रामे की मुखालफत में 40 मिलियन डॉलर की लागत से एंटी खिलाफत उस्मानिया ममालिक को नारनामे ड्रामा बनाया है जो कि पूरी तरह से फ्लॉप भी हुआ है। शायद इनको ये खौफ है कि 2023 में मुआहिदा लोजोन के ख़त्म होने से कहीं गाज़ी अर्तगरुल तैयब अर्दोगान की शक्ल में दोबारा से इस्लामी दुनिया का परचम बुलंदियों पर ना लहरा दे। दोस्तों, आप सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इन इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।